हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं नदीम खान, मैं दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूं और आप देख रहे हैं विश्व का इतिहास, फ्रांस की क्रांति, बौद्धिक जागरण। तो बच्चों, आर्थिक कारणों को समझने के बाद अब हम लोग इस चीज पर आ गए कि हम लोग बौद्धिक जागरण की बात करेंगे। यकीन मानिए, बौद्धिक जागरण का जो सेंस होता है, कहा जाता है कि बौद्धिक जागरण जो है वो किसी भी क्रांति की आत्मा कहलाती है। या बौद्धिक जागरण किसी क्रांति में ना हो, ठीक वैसे ही जैसे किसी खाने में टेस्ट ना हो। बच्चों, कोई खाना आप खाते हो ना, तो खाने में जो टेस्ट होता है वो उसकी वजह से वो खाना धीरे 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 आप क्रैप करते हैं, आप उसको खाते हैं। उसी तरह से क्रांति जो है, क्रांति में जो टेस्ट है वो बौद्धिक जागरण है। बौद्धिक जागरण जो है वो टेस्ट पैदा कर देता है। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे कि वास्तव में जो बौद्धिक जागरण है उसने कितना फ्रांस की क्रांति को प्रभावित किया, कितना ज़्यादा इफेक्टिव किया। तो आज इन्हीं चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और बच्चों, ये फ्रांस की जो क्रांति है, ये जो क्लास है, ये आप लोगों की है। और मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो क्लास से जुड़ पाएं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को, और चलिए देखा जाए कि फ्रांस की क्रांति में वहाँ के बौद्धिक वर्ग ने क्या योगदान दिया। और एक बौद्धिक वर्ग जो होता है ना, जो अपने विचारों से किसी क्रांति में, किसी बगावत में, किसी आंदोलन में शिरकत करता है, तो उसका कितना बड़ा योगदान होता है। तो चलिए, प्लीज गेट रेडी, हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। आइए शुरू करते हैं क्लास को। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक इट। यहाँ पर मैं आप सबसे कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी YouTube के अलावा स्पेशल क्लासेस, बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना है, 29, 30 and 31st स्पेशल क्लासेस, जी हाँ, जो विश्व इतिहास पर आधारित होंगी, 29, 30 and 31st December, ये न्यू ईयर स्पेशल क्लासेस के नाम से अनअकैडमी के ऐप पर हम लोग शुरू करेंगे। 6 क्लासेस होंगी, 2-2 घंटे की। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो आप सबको मैं पहले ही बता दे रहा हूं बच्चों के, रेडी रहिए, 29, 30 and 31st December द न्यू ईयर स्पेशल क्लासेस ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो आप लोगों को रेडी रहना है इन क्लासेस के लिए। और इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले अभी से इसको कर दीजिए, ताकि ये जो क्लासेस है इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, जैसे ही ये शुरू होंगी आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना बच्चों, इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप मेरा नाम सर्च करेंगे, प्रोफाइल MOHDNADIM, है ना, दिस इज माई प्रोफाइल नेम ऑन एन अकेडमी ऐप, मोहम्मद नदीम, और प्लीज़ फॉलो मी। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, फॉलो अगर आप मुझे करोगे ना, तो अनअकैडमी ऐप पर मेरी कोई भी क्लास होगी, चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो जीएस हो, इसकी सूचना आप लोगों को मिल जाएगी। तो प्लीज फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप फॉर द न्यू ईयर स्पेशल क्लासेस, 29 December, 30 December and 31st December। सो बच्चों, और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेकर पढ़ना चाहते हैं, तो सेम प्रोसेस करना है, मोहम्मद नदीम प्रोफाइल खोलेंगे, गेट सब्सक्रिप्शन का जो ऑप्शन होता है यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्लान देखेंगे कितने साल के लिए आपको लेना है, और फिर रेफरल कोड डालेंगे MNUS। और जैसे ही रेफरल कोड यूज़ करेंगे, जितनी भी फीस होगी आपकी 10% क्या हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। ये हैं अनअकैडमी के वो एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, ये हमारे सीनियर एजुकेटर्स हैं,
और आपको इनसे पढ़ने का मौका तभी मिलेगा जब आप अनअकैडमी के ऐप को ज्वाइन करेंगे, जब आप अनअकैडमी के प्लान्स को ज्वाइन करेंगे। थोड़ा सा बच्चों हम लोग बात करेंगे अनअकैडमी के बारे में कि अनअकैडमी क्या है, किस तरह से अपने कोर्सेज चलाती है, कैसे आप अनअकैडमी का पूरा फायदा उठा सकते हैं। अगर आप में से कोई बच्चा अनअकैडमी पर एडमिशन लेना चाहता है, एडमिशन लेके पढ़ना चाहता है, तो उसको क्या-क्या मिलेगा और क्या प्रोसेसेस हैं, इसके बारे में बच्चों थोड़ी देर, 2 से 3 मिनट हम लोग बात करेंगे, हार्डली 4 मिनट। तो मैं कह रहा था कि देखिए, अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेकर पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस जो प्लान होता है इसमें एक जनरल, एक नॉर्मल जो प्लान होता है वो प्लस में दिया जाता है। जैसे आपको जो है मनचाहे एजुकेटर से पढ़ने की सुविधा मिलेगी, ठीक है ना, और हर महीने, हर हफ्ते, हर महीने टेस्ट सीरीज होगी, ठीक है। इसके अलावा एक निश्चित समय सीमा में आपकी कोर्स कंप्लीट करवाई जाएगी, ठीक है। आपको यूपीएससी सीएससी के फाइनल एग्जाम के लिए एकदम से तैयार किया जाएगा, प्रीलिम्स से लेकर मेंस से लेकर इंटरव्यू तक के लिए आपको तैयार किया जाएगा। तो प्लस में इतनी सारी सुविधाएं आप लोगों को मिलेंगी। अच्छा, प्लस में एडमिशन की प्रोसेस ये है कि आप देख सकते हैं 1 महीने से लेकर पूरे 3 साल तक की ये प्रक्रिया है। आप चाहें तो 1 महीने के लिए एडमिशन लेकर टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें फायदा नहीं है। फायदा है 1 साल 2 साल या 3 साल के एडमिशन में। फीस आप देख लीजिए, यहाँ फीस की स्लिप लगी हुई है, आप पहले इसको देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप तय कर लो कि आपको कितने साल के लिए एडमिशन लेना है। उसके बाद एक फायदा और, 10% फीस को कम करवाने वाला फायदा, यानी 10% अगर आप अपनी फीस को कम करना चाहते हैं तो रेफरल कोड की जगह MNUS को यूज करिए, ठीक है। ये जितनी फीस आप देख रहे हैं ना, ये 10% कम होने के बाद कुछ यूं हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो 10% कम करने के लिए यूज करिए रेफरल कोड MNUS। आगे बढ़ जाइए। दूसरा जो प्लान है बच्चों वो है आइकॉनिक का प्लान। इसमें क्या है, ये सबसे सुपर प्लान है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर प्लीज सजेस्ट मी व्हाट इज द गुड प्लान, व्हाट इज द बेस्ट प्लान ऑफ द अनअकैडमी ऐप, देन आई विल सजेस्ट यू आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट प्लान। सबसे शानदार ये, क्योंकि एक बच्चे को, वो बच्चा जो बिल्कुल शुरू कर रहा है, उसको ABCD नहीं पता है, उसको हेल्प की जरूरत है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन। क्योंकि जैसे ही आप इसको लेते हो, 2 से 3 दिन में आपको एक कोच मिल जाएगा। अब बताओ, साल भर तक कोई आदमी फोन से बिल्कुल आपके लिए डेडिकेटेड होगा, आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, सब कुछ ही आपको फोन से बताएगा। तो शानदार है कि नहीं है। और मेरा मानना है कि सबसे बढ़िया जो एडमिशन प्लान है वो इनका यही है। और ये भी चीज बता रहा हूं बच्चों कि ये इतना ज्यादा डिमांड में है कि इसकी प्राइस फिर से हाइक होने वाली है, फिर से इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। तो इससे पहले कि इसकी प्राइस बढ़े, आप जो है इसी प्राइस पर इसको ले लीजिए, जल्दी करिए, इसी महीने तक एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। जैसे देखिए, 1 महीने के लिए 69,500 रुपीज इसकी फी है, ठीक है। इसमें कोच या गाइड आपको मिलेगा। एक साल के लिए 69,500 रुपीज फीस है, इसमें आपको कोच या गाइड मिलेगा। 2 साल 3 साल की फीस देख लीजिए। अब आप जैसे ही जो है 10%, मान लीजिए आप अपनी फीस 10% कम करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, रेफरल कोड की जगह MNUS को यूज कर लेंगे। जैसे मैंने बताया ना, मेरी प्रोफाइल को खोलेंगे, MOHDNADIM, उसके नीचे गेट सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद जो है रेफरल कोड MNUS भरेंगे, उसके बाद प्लान सेलेक्ट करेंगे, आपको 1 साल लेना है, 2 साल लेना है, 3 साल लेना है, फिर उसके बाद आप एडमिशन ले लेंगे। और जितनी जल्दी हो सके आप आइकॉनिक को कंप्लीट करिए, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो हाइक होने जा रही है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट का पढ़ना है, अपने मनचाहे टीचर से पढ़ना है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी यहां पर पूरा प्लान है, ठीक है ना। आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का सबसे पहले डिसाइड करो कि आपको ऑप्शनल लेना क्या है, ठीक है। क्योंकि मेंस में 500 नंबर का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर।
अब जो है एडमिशन लेने के बाद आप देख लो कि ऐप पर कौन कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के बेहतरीन टीचर जो है वो अनअकैडमी के ऐप पर मौजूद हैं, तो आप एडमिशन ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर यही है कि 1 साल, सॉरी 1 महीने से लेकर 6 महीने, 1 साल और फिर 2 साल, 3 साल तक का यहाँ प्लान है, आप डिसाइड कर लो, है ना। 10% पैसा बचाना है तो रेफरल कोड MNUS यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे कह ही रहा था कि आइकॉनिक प्राइस हाइक कमिंग सून, बढ़ने वाली है फीस, तो प्लीज इस महीने लास्ट, इस महीने जल्दी से आप एडमिशन ले लो, क्योंकि जो एग्जाम है बच्चों वो तो चल ही रहे हैं, एग्जाम तो लगातार कमीशन करा रहा है, तो इसमें टाइम जो जा रहा है वो बच्चों का जा रहा है, तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम एंड गेट सब्सक्रिप्शन फॉर द आइकॉनिक, बिकॉज आइकॉनिक प्राइस हाइक कमिंग सून। ठीक है बच्चों, फीस बढ़ने, आइकॉनिक प्राइस हाइक कमिंग सून, फीस बढ़ने वाली है इसकी। आगे बढ़ते हैं, एक ऑफर और आप लोगों के लिए आया है जिसका नाम है कम्बो सब्सक्रिप्शन। कम्बो का मतलब ये है कि इसमें आपको GS भी मिलेगा और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मिलेगा। फीस इसकी है 77,000 रुपीज पर ईयर 1 साल की, लेकिन इसमें 9% अनअकैडमी आपको छूट दे रही है न्यू ईयर के अवसर पर। किस अवसर पर? न्यू ईयर के अवसर पर, तब ये फीस हो रही है 70,153 रुपीज। उसी तरह से 2 साल, 3 साल, 3 साल का एडमिशन लोगे तो 14% की छूट मिल रही है। साथ में ये है बच्चों कि इसमें भी और मजा है कि 10% फीस और कम करा सकते हो आप, कैसे? रेफरल कोड MNUS को यूज करने के बाद। ये इतना दमदार चीज है कि इसको यूज करने के बाद 10% आपकी फीस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आगे बढ़िए, यही चीज है जो मैं आपको समझा रहा हूं कि इस वक्त जो है बिगेस्ट डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 2020 के लिए, तो आप लोग चाहें तो इस डिस्काउंट का फायदा ले सकते हैं। GS और ऑप्शनल एक साथ 70,150 रुपीज में, ठीक है, ये 9% 1 साल के लिए छूट मिली है, और MNUS को यूज करोगे तो 10% और छूट आपको मिलेगी। तो जल्दी से इस पर जो भी डिसीजन लेना है आप ले लीजिए, नहीं तो अगले साल फीस बढ़ जाएगी। बच्चों आपको बता दूं कि कंपटीशन चल रहा है, क्विज सेशन चल रहा है, अनअकैडमी पर प्रतियोगिता चल रही है। इस प्रतियोगिता का फॉर्मेट, कॉन्टेस्ट फॉर्मेट ये है, 13 कम्बैट्स होने वाले हैं, इसमें आप भाग लेकर ढेरों इनाम जीत सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण ऐलान ये भी है कि 21 दिसंबर से नई बैचेज स्टार्ट हो रही हैं बच्चों, लगातार इस महीने में नई बैचेज शुरू हो रही हैं, 21 दिसंबर फिर 28 दिसंबर, लगातार नई बैचेज शुरू होने का, नई बैचेज शुरू होने का, लगातार नई बैचेज शुरू होने का ऐलान किया जा रहा है। जैसे देख सकते हैं कि ये जो टीचर्स हमारे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे मोस्ट सीनियर टीचर हैं और अनअकैडमी के अच्छे एजुकेटर हैं, इनको इनसे इनसे शुरुआत की जा रही है, तो आप जुड़ जाइए, नए बैचेस को ज्वाइन करिए। ये भी देख सकते हैं आप, ये भी नए बैचेस का ऐलान हुआ है, इसमें भी सारे एजुकेटर्स मौजूद हैं। आप अपने समय को देखते हुए बायलिंगुअल, ये जितने बैचेस होंगे बायलिंगुअल होंगे, और या फिर आपको जो मीडियम चाहिए, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बायलिंगुअल, आप ज्वाइन करिए, है ना। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और बायलिंगुअल ज्वाइन करिए। अब यह है बच्चों की फ्रांस की क्रांति, बौद्धिक जागरण। चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्क्रीन पर आ चुका है, और आज हम लोग जो है फ्रांस की क्रांति के बारे में बात करने वाले हैं। कि मैंने कहा ना कि जिस तरह से भोजन में टेस्ट जो है नहीं होता तो भोजन इंसान ठीक से नहीं कर पाता, उसी तरह से जो है किसी भी क्रांति या किसी भी आंदोलन में जो बौद्धिक वर्ग होता है वो टेस्ट पैदा कर देता है। और यकीन मानिए यहाँ तक कहा जाता है कि बौद्धिक चेतना जो है वो किसी क्रांति की आत्मा होती है। आप अपनी जो शुरुआत करोगे राइटिंग स्किल की, जब आप आंसर लिखोगे तो शुरुआती यहीं से करेंगे कि जो बौद्धिक चेतना होती है वो किसी भी क्रांति की आत्मा होती है। वो चलिए आइए शुरू करते हैं इस क्लास को बच्चों। सबसे पहले तो ये है कि इसमें
जो जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको लिखवाता हुआ चलूँगा, ताकि आपको अब इसके लिए पीडीएफ की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और देखिए बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत दिन के बाद आप लोगों के कहने पर मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास शुरू की है। अब ये है कि इस क्लास को चलाने की जिम्मेदारी आपके हाथों में, आप लोग अपने एंड से इस क्लास को शेयर ज़रूर करिए, ताकि अच्छे जो स्टूडेंट हैं वो क्लास के साथ जुड़ सकें, यही मेरा मानना। देखिए, हम बहुत ज़्यादा बच्चों की उम्मीद नहीं करते, लेकिन चूंकि पता ही है कि सिविल सेवा में बहुत ज़्यादा बच्चे इसकी प्रिपरेशन में नहीं आते, लेकिन हमारा मानना है कि जो भी आते हैं वो दमदार आते हैं। तो आपकी तरह से ही जो दमदार स्टूडेंट हैं, बेहतरीन स्टूडेंट हैं, अगर क्लास से जुड़ते हैं तो क्लास में चार चांद लग जाएगा, ठीक है। तो ये इस बात की मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। तो चलिए बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, कि जिस तरह से शरीर में सिर जो होता है वो शरीर को दिशा देता है ना, उसी तरह से क्रांति में जो बौद्धिक जागरण होता है वो क्रांति को दिशा देता है। क्योंकि कोई भी दिशाहीन आंदोलन जो है वो कभी क्रांति नहीं बन सकता। हमेशा बेटा ध्यान देना है, कोई भी दिशाहीन आंदोलन कभी क्रांति नहीं बन सकता, क्योंकि क्रांति वो चीज़ है जो बदलाव पैदा करती है, और बदलाव तभी होगा जब कोई चीज़ सही दिशा में आगे जाएगी। तो हम ये चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं, थोड़ा सा दो तीन शब्दों को यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा हेडिंग जो है वो है फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति में हम पढ़ रहे हैं बौद्धिक जागरण, यानी जो एक्सीलेंस अवेयरनेस थी, जो बौद्धिक जागरण था, उसका कितना ज़्यादा योगदान था फ्रांस की क्रांति में। तो ये हम लोग बौद्धिक जागरण पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए क्वेश्चन के तौर पर अगर आप देखो कि बौद्धिक वर्ग ने फ्रांस की क्रांति को कितना प्रभावित किया, कुछ इतिहासकारों के अनुसार, है ना, कुछ इतिहासकारों के अनुसार दरअसल फ्रांस की क्रांति बौद्धिक जागरण के कारण हुई थी। या फिर मान लीजिए ये प्रश्न आ जाए कि नेपोलियन ने कहा था कि अगर रूसो नहीं होता तो क्रांति नहीं होती। अब आप जरा सोचिए, दो तीन सवाल मैंने ऐसे बोल दिए, नेपोलियन ने कहा था कि अगर रूसो नहीं होता तो क्रांति नहीं होती। इसका मतलब ये है कि बौद्धिक जागरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस टॉपिक में, और कम से कम दो से तीन सवाल तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों की, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं कॉन्सेप्ट पर काम करूंगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल तैयार हो जाए। अगर चूंकि कॉन्सेप्ट तैयार होता है ना, तो प्रश्न जो होते हैं अगर टेढ़े मेढ़े भी आते हैं तो आदमी क्या करता है, समझ जाता है। समझ में आ रहा है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सिर्फ अगर कॉन्सेप्ट जिस बच्चे का क्लियर नहीं होता ना, उसमें थोड़ा भी अगर क्वेश्चन टर्न करता है तो बच्चा भटक जाता है और उसका आंसर नहीं लिख पाता। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है किसी टॉपिक पर कॉन्सेप्ट, वो चीज अगर क्लियर हो जाए तो सवाल चाहे जैसे भी आए, ईश्वर की दया से आप उसका आंसर बखूबी लिख सकते हैं। तो हमारा जो काम है, हमारा जो वर्क होगा, वो आपके कॉन्सेप्ट पे होगा। और प्रश्न मैंने आपको बताई दिए कि जैसे मान लीजिए अगर हम कुछ प्रश्नों को यहां पे लिखें कि फ्रांस की क्रांति में बौद्धिक जागरण का क्या महत्व है, ठीक है। मेंस का जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे ही आएगा, ठीक। एक प्रश्न लिख दिया मैंने, फ्रांस की क्रांति बौद्धिक जागरण के कारण हुई, ये दूसरा प्रश्न है।
और तीसरा भी प्रश्न बच्चों नोट कर सकते हो आप, नेपोलियन ने कहा था यदि रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति ना होती, ठीक है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में फ्रांस की क्रांति में बौद्धिक जागरण के महत्व को दर्शाइए, बौद्धिक जागरण के महत्व को दर्शाइए। देखिए कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर क्वेश्चन भी कुछ हो जाए, तो देखिए मैंने तीन सवाल लिख दिया है कि इस टॉपिक से ये तीन सवाल दिखाई दे रहे हैं बच्चों, सीधे सीधे सवाल क्वेश्चन, सीधे सीधे प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। अब इन तीन सवालों के जवाब आपको इसी कॉन्सेप्ट पे मिल जाएंगे, तो हमारा जो वर्क होगा वो पूरे कॉन्सेप्ट पे होगा, ताकि वो बच्चा किसी भी फील्ड का हो, अगर वो कुछ बेनिफिट लेना चाहता है, कुछ अगर लाभ लेना चाहता है, तो आसानी से उसे यहाँ से लाभ मिल जाएगा। और सिविल, चूंकि हमारी क्लास फाइनली तौर पर यूपीएससी के लिए है, सिविल सर्विसेज के लिए है, तो आप इससे फायदा ले सकते हैं। तो चलिए आइए, ये तो मान लीजिए हमने प्रश्न लिख दिया, अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आंसर की तरफ बात करेंगे। इसको नोट करिए जल्दी से, और उसके बाद हम लोग आंसर पे बात करेंगे। और बच्चों आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत मायने रखता है, क्लास में आपकी संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा एक टीचर का आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इस क्लास में अगर आप हमारे लिए कुछ कर सकते हो तो इस क्लास को शेयर करो और अच्छे बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिए, ये क्लास आप लोगों की है। चलिए ये प्रश्न आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ना, अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। और थोड़ा सा हम लोग यहां पर बात करेंगे, सबसे पहले मैंने कहा ना कि जब हम किसी भी टॉपिक की शुरुआत करते हैं, किसी भी प्रश्न को लिखने की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले कुछ बढ़िया कोटेशन से हम शुरुआत करते हैं, है कि नहीं है, बताइए। आप किसी मंच पे जाएंगे, मान लीजिए स्वतंत्रता के बारे में कुछ बोलना, किसी मंच पे आप खड़े हो गए तो क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है जिस स्कूल ने आपको बुलाया है उसी के बारे में शुरू कर देंगे कि ये बहुत प्रतिष्ठित स्कूल है, ये है वो है, अच्छा नहीं लगेगा ना बच्चों। सबसे पहले आदमी जब किसी भी चीज़ की शुरुआत करता है तो अच्छे कोटेशन से करता है, थोड़ा सा प्रकाश डालेगा स्वतंत्रता संग्राम के महत्व के बारे में कि आज स्वतंत्रता नहीं होती तो ये स्कूल जिसमें आप सभी बैठे हुए हैं मुस्कुरा रहे हैं ये ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो बहुत जो कहा जाता है कि बहुत ही सेलेक्टेड जो वर्ड्स होते हैं, यही तो चीज़ है ना कि बच्चे मेंस देते हैं फिर बाद में वो मिलते हैं कहते हैं सर हमने मेंस लिखा लेकिन इंटरव्यू कॉलिंग नहीं हुई, सर अच्छा नंबर नहीं मिला, वही चीज़ है बच्चों। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि किचन में सामान अगर आपका है, किचन में सामान है लेकिन अगर आप उस सामान को ठीक से परोसना नहीं जानते तो मीन्स ये है कि आप किसी भी गेस्ट को खुश नहीं कर सकते। ये बात आपको समझना है, सामान को कैसे परोसा जाए ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम शुरू कर रहे हैं बौद्धिक जागरण के बारे में, तो हम अपनी बात कैसे शुरू करेंगे, कैसे लिखना शुरू करेंगे, तो हम यहाँ पे एक दो लाइनें लिखेंगे उत्तर में कि बौद्धिक जागरण
किसी भी क्रांति की आत्मा होती है। बौद्धिक जागरण किसी भी क्रांति की आत्मा होती है, ठीक है ना। ये क्रांति को दिशा देती है, ये क्रांति को दिशा देती है, ठीक है ना। क्रांति एक परिवर्तन का नाम है, क्रांति एक परिवर्तन का नाम है। और परिवर्तन तभी होता है, और परिवर्तन तभी होता है जब दिशा ठीक होती है। परिवर्तन तभी होता है जब दिशा ठीक होती है। तो क्या है बच्चों, आपने देखा हमने क्या किया, थोड़ा सा एक दो लाइन हम लोग पहले क्रांति बौद्धिक जागरण के बारे में डिस्कस कर देंगे, उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे, है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमारी तरह से लिखने की कोशिश करो, लेकिन जो शुरुआत होती है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। किसी ने लिखा है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आदमी पहली बार जब किसी से मिलता है तो फिर उसके अंदर के विचार नहीं, फिर उसकी काया ही समझ में आती है। उसके अंदर के विचार नहीं बल्कि उसका जो रूप रंग है वो बहुत मायने रखता है। आपका पहनावा, आपके बोलने का अंदाज, उठने बैठने का, चलने का तरीका, ये बहुत मायने रखता है। फिर जब आदमी आपके बारे में, अगला आदमी जान जाता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, तब आपकी जो पहचान होती है आपके विचारों से होती है। तो बच्चों उसी तरह से सेम हम किसी चीज़ की शुरुआत जब करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो देते हैं, लेकिन इंट्रो कैसा होना चाहिए, इंट्रो जो होता है वो संक्षेप में होता है, कम होता है लेकिन दमदार होता है। तो इस पर हमें ध्यान देना है। फ्रांस की क्रांति, बौद्धिक जागरण, नोट कर लीजिए, सभी बच्चे नोट करेंगे इसको, ठीक है। और मैं बता दिया मैंने आपसे कि आपकी जो क्लास में सहभागिता है वो बहुत मायने रखती है। अगर आप क्लास में भागीदारी करोगे, क्लास को संभालोगे, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अच्छे बच्चों को जोड़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। वरना क्या है, वरना मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ाने का क्या मतलब है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को अगर कंप्लीट करना है तो आप लोग अपने एंड से मेहनत करिए बच्चों। सभी बच्चे क्लास के एक तरह से हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं आप सब मेरे क्लास के प्रतिनिधि हैं, और आप अपने अपने एंड से क्लास को डील करिए, ठीक है ना। तो ये क्लास आप लोगों की है, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना है, इसको शेयर करना है और बेहतरीन बच्चों को क्लास में इनवाइट करना है। क्योंकि अगर आपने एक बार माहौल बना दिया बच्चों क्लास में, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और फिर ये है कि मैं हर लेवल पर जो है मेरी कोशिश होगी कि वर्ल्ड हिस्ट्री को एक निश्चित समय सीमा में कंप्लीट कर दिया जाए। इसमें हर तरह के प्रश्नों पर भी मैं ध्यान दूंगा, इसको ब्रीफिंग करने का तरीका भी बता दूंगा। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि आप अपनी क्लास के लिए कितना मेहनत करते हैं। तो चलिए ये चीज़ हो गया, आपने नोट कर लिया है तो आप स्क्रीन पर केवल डन लिख दीजिए, तो मैं इसको मिटा दूंगा। और जिस बच्चे का नहीं हुआ है वो प्लीज़ वेट लिखेगा।
ठीक है, हो गया है ये चीज़ नोट कर लिया है आप लोगों ने, तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ों पे बच्चों बात करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा ये मैं आपको बता दिया कि इसमें आप घबराना नहीं, बहुत जल्दी चलने की कोशिश मत करना। तो गेट रेडी प्लीज, मैंने इसको मिटा दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये देखा जाए कि आखिर फ्रांस में कौन कौन से विचारक थे और वो क्या कह रहे थे, किस तरह की बातें उठा रहे थे, ठीक है ना। हम उनके बारे में बात करेंगे। देखिए देखिए साहब, ये जो विचारक थे ना कहीं से इनकी आत्मा दुखती थी। फ्रांस के जो हालात थे, जिस तरह की कंडीशन से फ्रांस गुजर रहा था, जिस तरह से किसानों पर, मिडिल क्लास पर जुल्म हो रहा था, जिस तरह से बुर्जुआ वर्ग का फ्रांस की सरकार पर एक तरह से प्रभाव था और अच्छे लोगों की कमी थी, इनको बात खलती थी। देखिए साहब, एक बात है, हर इंसान को जो उस मिट्टी में जन्मा होता है ना बच्चों, उसे अपने देश से मोहब्बत होता है। यकीन मानिए, जिस मिट्टी में उसका जन्म हुआ होता है, उस देश से उसकी मोहब्बत होती है। ये जो बौद्धिक वर्ग थे, वैसे भी बेटा बौद्धिक वर्ग जो होता है वो बहुत ही हायर क्लास की चीज़ है, ठीक है ना। वो बड़े बड़े पदों पे रहते हैं, या फिर कहने का मतलब है कि वो ऐसा नहीं है कि बौद्धिक वर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा। तो ये कहने का मतलब है कि इनको ना तकलीफ बहुत होती थी, क्योंकि देखो चीजें जिसको समझ में आती है ना उसी को तकलीफ होती है। मान लो किसी आदमी को, आप कोई आदमी है, किसी तो आदमी को किसी अंग्रेज को भोजपुरी में गाली दे रहा है, तो अंग्रेज भोजपुरी का मतलब क्या जानेगा, कुछ समझ में आएगा? वो हंसेगा कि व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाई यू आर लॉफिंग, तो उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर भोजपुरी का आदमी है, अगर भोजपुरी समझने वाला है, तो अगर कोई भोजपुरी में गाली देगा तो उसको तकलीफ होगी। यही मेन मसला होता है कि ये जो लोग थे ना, ये समझदार लोग थे, इनको समझ में आ रहा था कि फ्रांस में क्या हो रहा था। यही कारण था कि इनकी आत्मा दुख रही थी और ये लोग लगातार अपने विचारों को फैला रहे थे, उस जमाने के लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ये जो हो रहा है ना, ये गलत हो रहा है, इसका जो अंजाम होगा ना वो बहुत बुरा होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि जब तक फ्रांस के लोगों को ये बात समझ में आ गई कि भाई ये जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल रियलिटी बोल रहे हैं, तब लोग क्या हो गए, जनता बिल्कुल सामने आ गई कि नहीं, इस चीज को तो हमें। और यकीन मानिए, इंसान तभी तक खामोश रहता है जब तक उसे ये पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है। जब उसको चीजें स्पष्ट दिखने लगती हैं कि वो यहाँ जा रहा है, तो फिर लोग मैदान में आ जाते हैं, लोग बोलना शुरू करते हैं। तो समझ में आ गया। तो हम एक लाइन यहां पर क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे इनके बारे में कि फ्रांस का बौद्धिक वर्ग, फ्रांस का बौद्धिक वर्ग है ना, तत्कालीन फ्रांस के हालात से परिचित था। फ्रांस का बौद्धिक वर्ग तत्कालीन फ्रांस के हालात से परिचित था, ठीक है ना। उसे इस बात का एहसास था कि फ्रांस में क्या हो रहा है और उनका देश किस दिशा में जा रहा है।
और उनका देश किस दिशा में जा रहा है। अतः अतः उनकी आत्मा दुख रही थी, अतः वो लोग, ऐसे लिख सकते बेटा, अतः वो लोग दुखी थे। और लगातार अपने विचारों से फ्रांस की जनता को अवगत करा रहे थे। जागरूक कर रहे थे। ठीक है ना, ये चीज नोट करिए सबसे पहले आप लोग, तब जाके हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो है इन विचारकों में कौन कौन से लोग थे। मैंने देखिए ये बताने की जरूरत नहीं है फ्रांस के राजनीतिक हालात क्या थे, मैंने बताया है पिछले क्लासेस में, नहीं देखा है तो देख लीजिए। फ्रांस का समाज कैसा था, सोशलिस्ट सोशल कंडीशन कैसी थी उस पर भी मैंने क्लास लिया है, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी उस पर भी मैंने क्लास लिया है। तो ये जो बौद्धिक वर्ग के लोग थे ना, इनको पता था कि फ्रांस के समाज में क्या हो रहा है और किस दिशा में फ्रांस जा रहा है, इसको लेकर ये बहुत चिंतित थे और लगातार अपने विचारों से फ्रांस की जनता को अवगत कर रहे थे, अवगत करा रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि अगर आप नहीं समझेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि इन विचारकों में कौन कौन से लोग शामिल थे, उनके नाम हम लोग लिखेंगे। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो इनके नाम भी हम लोग लिखेंगे, क्योंकि देखिए साहब, एक विचारक जो होता है वास्तव में वो निर्भीक होता है, वो अपनी बात को रखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इंसान मर सकता है पर उसके विचार नहीं मरते। तो इसको आप लोग सबसे पहले नोट करेंगे बच्चों, और फिर हम लोग इसको मिटाएंगे। चलिए, चलिए बच्चों, सबसे पहले एक विचारक लिखेंगे कि फ्रांस के विचारकों में फ्रांस के तत्कालीन विचारकों में निम्नलिखित लोग शामिल थे। ठीक है ना, चूंकि आप अपने आंसर में इनके नाम तो दोगे ना, शामिल थे।
अब नाम देखिए, जैसे मैंने एक नाम आपको बताया था मोंटेस्क्यू, ये बहुत बड़ा विद्वान था फ्रांस का। उसके बाद वॉल्टेयर, वॉल्टेयर के बारे में मैंने आपको बोला था कि वॉल्टेयर ने एक बार फ्रांस के कानून व्यवस्था के बारे में लिखा था कि फ्रांस में कानून जो है वो ऐसे बदलता है जैसे गाड़ी में घोड़े बदलते हैं। यानी बहुत गजब का कटाक्ष किया था, बहुत गजब का कटाक्ष किया था इसने वॉल्टेयर के बाद। कुछ नामों को बच्चे नोट कर लेंगे, रूसो, यकीन मानो ये बहुत बड़ा विचारक था। मतलब इसके विचारों का महत्व तो इस बात से समझ लीजिए कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि अगर रूसो नहीं होता तो क्रांति नहीं होती, है ना। नो रूसो नो रिवॉल्यूशन, है ना। इट वॉज द वर्ड्स, इट वॉट द कोटेशन ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट दैट टाइम। तो इसी से आप अंदाजा लगा लो कि रूसो कितना बड़ा विचारक था। उसके बाद बच्चों दिदरो, दिदरो बहुत बड़ा विचारक था। आपको बता दूं कि वोल्टेयर और दिदरो ने लगातार अपने विचार फ्रांस में फैलाए। वोल्टेयर और दिदरो को पकड़ के जो है वो बास्टिल के दुर्ग में बंद कर दिया गया था। शायद फ्रांस की सरकार ये बात नहीं जानती थी कि आप विचार देने वालों को तो बंद कर सकते हो, लेकिन कभी विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि जितना ज्यादा विचारों को दबाया गया है, उतना ही ज्यादा विचार जो है वो बलवती हुए हैं। तो रूसो के बाद बच्चों दिदरो, ठीक है ना। ये सारे जो विचारक थे ना, इनके विचारों ने फ्रांस की जनता के मस्तिष्क को आंदोलित कर दिया था। मन मस्तिष्क को आंदोलित कर दिया था। ठीक है ना। तो आप उनके बारे में लिख लीजिए। अभी देखिए बच्चों, अभी एक्सप्लेन में करा रहा हूं, जैसे आप क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर बढ़ा घटा सकते हैं। समझ में आ गया। क्वेश्चन जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को आप बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। इस पर ध्यान देना। दूसरी चीज यह है कि हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट चीज लिखो उसके नीचे अंडरलाइन जरूर कर दो, ताकि एग्जामिनर की निगाह उस पर पड़ जाए। अंडरलाइन करना चाहिए आंसर राइटिंग के दौरान, ठीक है ना। तो ये चीजें। अब थोड़ा और भी चीजें देखा जाए कि फ्रांस के ये जो विचारक थे ये और क्या कर रहे थे। और भी चीजों को यहाँ पे हम लोग लाने की कोशिश करेंगे ना, तभी तो कंप्लीट होगा ये चीज। सबसे बड़ी चीज है कि ये जो फ्रांस का बौद्धिक वर्ग था वो क्या चाहता था। एक प्रश्न उठता है कि नहीं, कि फ्रांस का जो बौद्धिक वर्ग था वो क्या चाहता था, किस तरह की सरकार चाहता था, किस तरह, क्या उसे अपने राजा में विश्वास नहीं था, क्या उसे अपने देश के प्रशासन में विश्वास नहीं था, किस तरह की घूम। अभी रहने दीजिए। किस तरह का वो सरकार चाहता था, किस तरह का प्रशासन चाहता था। चलिए, मतलब एक प्रश्न उठता है ना कि ये जो विचारक थे ये क्यों नाराज थे भाई फ्रांस से, भाई क्यों बोल रहे थे, क्यों अपने विचारों को ये आगे बढ़ा रहे थे। तो चलिए आइए उसको हम लोग एक्सप्लेन करते, क्योंकि हमें, चूंकि एग्जामिनर जो होता है ना वो सब उसे पता है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करके बताना होगा कि ये कारण था जिसकी वजह से ये लोग नाराज थे। तो चलिए इनकी नाराजगी का कारण देखा जाए कि आखिर।
तो इसको मिटा दिया जाए। अगर आप कहें तो ये लाइन हम लोग मिटा दिया जाए बच्चों। चलिए अब चलिए इनकी नाराजगी का कारण देखा जाए कि ये क्यों नाराज थे। आखिर फ्रांस की सरकार से इन्हें क्या परेशानी थी, इन्हें क्यों दिक्कत थी। चलिए हम लोग इसकी पड़ताल करते हैं, देखा जाए कि भाई क्या जरूरत थी। क्योंकि बौद्धिक वर्ग जो है बहुत ज्यादा बोलता नहीं है, लेकिन जो बोलता है समझ लो बोलता है। और यकीन मानिए कोई भी क्रांति तब तक क्रांति नहीं हो सकती जब तक उसमें बौद्धिक वर्ग शामिल ना हो। हमेशा ध्यान रखिएगा, 1857 की जो क्रांति थी वो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन यही जो वर्ग था वो सामने नहीं आया। वैसे और भी लोग थे जो सामने नहीं आए, लेकिन बौद्धिक वर्ग उस समय असमंजस में था कि आखिर क्रांति का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा। क्योंकि बौद्धिक वर्ग हमेशा क्रांति को दिशा देता है, और जब तक दिशा नहीं होगी तब तक कोई क्रांति सफल नहीं हो सकती। तो चलिए हम लोग यहां पर बात करें कि आखिर बौद्धिक वर्ग नाराज क्यों था। बौद्धिक वर्ग क्यों नाराज था? अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी आंसर में अपने लिख दें, ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए ये लाइन हमने लिखी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी आप इसको नोट ना करें, बस समझने के लिए बच्चों कि बौद्धिक वर्ग क्यों नाराज था, ठीक है। पहली चीज मैंने आपको बताई कि फ्रांस में असमानता थी। फ्रांस में बहुत असमानता थी। ये क्या थी भाई, असमानता से क्या लेना देना है? तो बच्चों असमानता का मतलब यही है कि फ्रांस में दो वर्ग थे। एक वर्ग था जिसको अपर क्लास कहेंगे, एक मिडिल क्लास था, और नीचे सॉरी नीचे तीन वर्ग, एक लोअर क्लास। कहने का मतलब यह है कि समाज में एक ऐसा वर्ग था जो कोई टैक्स नहीं देता था, उसके पास जमीन था, जायदाद था, पैसा था, बैलेंस था, सब कुछ था, ठीक है। वो चाहे कैसा भी हो, मैं बात कर रहा हूं कुलीन वर्ग के बारे में, जो बुर्जुआ वर्ग है उसकी बात कर रहा हूं। चाहे उसका करैक्टर अच्छा हो या करैक्टर ढीला हो, कुछ भी हो, लेकिन समाज में सम्मान का वो हकदार था। फ्रांस के समाज की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो जाए, कितना भी आप शिक्षित हो, कितने भले मानुष हो, लेकिन फ्रांस में इज्जत पाने के लिए आपको सामंत घर में पैदा होना आवश्यक था। तो वहां के लोग जो बौद्धिक वर्ग था उसको पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंसान महान वही है जिसके विचार महान है। इंसान जो है अपने विचारों से महान होता है, तो इसको पता था। सो सबसे बड़ी दिक्कत थी फ्रांस की असमानता। और चलिए देखा जाए, आगे देखेंगे बच्चों की पहली लाइन मैंने लिखी ना, कुछ कोटेशन ऐसे है ना, आगे लिखेंगे कि फ्रांस की राजनीति में वहां के कुलीन वर्ग और सामंतों का अधिकार था। भाई जाहिर सी बात है, एक बात बताइए, ये गलत बात है। कोई आदमी कुलीन हो और वो विद्वान हो, वही एडमिनिस्ट्रेशन को चलाए, ये तो गलत बात है ना यार। एक अच्छा इंसान, एक इंटेलिजेंट आदमी तो किसी भी फैमिली में जन्म ले सकता है। तो इन विचारकों का ये कहना था कि आखिर फ्रांस की राजनीति वहां के बुर्जुआ वर्ग और कुलीन वर्ग के गुलाम क्यों है भाई? जो फ्रांस में बाकी लोग हैं वो क्या फ्रांस के नागरिक नहीं है क्या? उनको फ्रांस की राजनीति में जगह नहीं मिल सकती क्या? राजा को उनसे नहीं मिलना चाहिए, उनकी बातों को नहीं सुनना चाहिए? समझ में आ रहा है? तो दूसरा जो फैक्टर था बच्चों, वो ये था कि फ्रांस की राजनीति पर वहां के
कि कुलीन वर्ग और सामंतों का अधिकार, ये बहुत ही ज्यादा गंदी बात थी। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉब्लम लिखते हैं। फ्रांस के समाज का जो वर्ग कर दे सकता था फ्रांस के समाज का जो वर्ग कर दे सकता था वो कर मुक्त था। कर का सारा बोझ फ्रांस के समाज सामान्य वर्ग पर था। यार ये कौन सी चीज है बताइए भाई, जो टैक्स दे सकता है, ये कौन सा सिस्टम है भाई कि जो सबसे ज्यादा, जिसकी सबसे ज्यादा इनकम है, जिसके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, जो सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहा है चीजों को, उस पर टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। ना तो पादरी लोगों पे टैक्स था, ना तो सामंतों पे टैक्स था, ना तो वहां के कुलीन वर्गों पे टैक्स था। टैक्स किस पे था? मिडिल क्लास पे था और किसानों के ऊपर था। कहा जाता है कि इतना इतनी असमानता थी, एक किसान अपनी कुल आय का 80% भाग टैक्स में पे करता था, 20% उसको मिलता था। ये तो घोर असमानता थी यार, कि जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा था वो अपना 80% जो है टैक्स में पे कर रहा था, और जो जिसको टैक्स जो दे सकता था वो टैक्स फ्री था यार। वो पूरा का पूरा मजे ले रहा था, भोग विलास में लिप्त था, लोगों की मेहनत का पैसा पानी की तरह वो बहा रहा था। तो एक बात बताइए कि जो इस बात को समझेगा उसे तकलीफ होगी कि नहीं होगी? ईमानदारी से बताइए। जिसे हम ही आप अगर एक एग्जाम्पल लें, जब हम छोटे होते हैं या जब हमारी उम्र कम होती है, जब हम स्टूडेंट लाइफ में या आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एक बात कह रहा हूँ कि हमें एहसास होता है कि आदमी जब माँ बाप के पैसे पे ऐश करता है तो खर्च करने में बड़ी मजा आता है। खूब आदमी खर्च करता है माँ बाप के पैसे पे, ये ले लो वो ले लो, पापा वो दिला दो, पापा ये दिला दो। लेकिन जब इंसान खुद कमाता है तो यकीन मानो आदमी खर्च नहीं कर पाता। यकीन मानो बहुत बेसिक चीजों पर आदमी मजबूरी में खर्च करता है, नहीं कर पाता। कभी मन में आएगा ही नहीं कि चलो यार आज अपने पैसे से ऐश करते हैं। क्या कभी आपने देखा है किसी को अपने पैसे से ऐश करते हुए? बहुत कम लोग होते हैं। मतलब अपनी फैमिली को वो ले गया, घूम फिर के चले आए, खा पी लिए, पैसा खर्च कर दिए, फैमिली के लिए आदमी खर्च करता है ना। लेकिन अपने लिए पर्सनल, कि आज चलो मैं चल के खूब बढ़िया ऐश करके आता हूं, पैसे खर्च करके आता हूं, तो आदमी नहीं कर पाता। मैं आपको ही कह रहा हूं, आप में से भी काफी लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, तो क्या आपने कभी अपने पैसे से कभी खूब पैसा बर्बाद किया है जाके? वैसे भी पैसा बर्बाद करने वाली चीज नहीं है। क्या कभी आपने खूब खर्च किया है अपने लिए? नहीं कर पाओगे आप। इट्स रियलिटी, यू कांट डू, आप नहीं कर सकते इस चीज को। उसी तरह से ये जो मलाई थी ना, जो आम जनता का पैसा था ना, उस पैसे को ये पानी की तरह बहा रहे थे। कौन? कुलीन वर्ग के लोग, नहीं एलीट क्लास के लोग, बुर्जुआ वर्ग, फ्रांस का राजा रानी। अब सोच लीजिए कि जो वर्साय का महल था वो पूरी ऐशगाह थी। कहा जाता है कि वर्साय का महल फ्रांस की राजनीति की कब्र कही जाती थी। पूरा का पूरा ऐशगाह था, 16,000 उसमें सिर्फ नौकर चाकर थे, 2,000 लोगों में सामंत थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, राजा रानी थे, 2,000 लोग बेसिकली उसमें रहते थे, 16,000 नौकर चाकर थे। अब अंदाजा लगाइए, अनाप शनाप खर्च
सुबह से शाम तक जो है रंगीनी माहौल, रंगीन माहौल, तो आप अंदाजा लगाइए। तो ये जो विचारक थे, ये जो बौद्धिक वर्ग है, कहा जाता है कि देश को, बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, देश को जो है ना कौन आगे ले जाता है, देश को आगे ले जाने वाले बौद्धिक वर्ग होते हैं। यही वजह है कि आज आप यूरोप में जाओगे तो यूरोप में सबसे ज्यादा सम्मान बौद्धिक वर्ग को मिलता है। वहां पे जैसे बहुत ज्यादा इज्जत है, और वैसे हर जगह इज्जत है यार। चाणक्य ने लिखा है कि एक चाणक्य कहता है कि सोने और चांदी की चमक फीकी पड़ सकती है, पर एक बौद्धिक वर्ग की या एक विद्वान के चेहरे की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, वो हर समय जवान रहता है। यहां पर चेहरे की चमक से बात होगी। ऋग्वेद कहता है कि ज्ञानम परम धनम, इस संसार में सबसे बड़ा धन है वो ज्ञान है। और ज्ञान भाई जाहिर सी बात है, हर ग्रंथ में कुरान कहता है इकरा बिस्मे का रब्बे का लजी, पढ़ो, क्योंकि विद्या बहुत कीमती चीज है, विद्या बहुत अच्छी चीज है। तो समझ में आ रहा बच्चों, ये लाइन क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बताइए। और मैं आप सब से कह रहा हूँ बच्चों कि यार आज यकीन मानिए ये पूरा महीना हम लोगों का यूट्यूब पे क्लास चलना है, वर्ल्ड हिस्ट्री मुझे खत्म करना है। और वर्ल्ड हिस्ट्री में तभी खत्म करूंगा जब आप ये साबित करोगे कि हाँ आप पढ़ना चाहते हो, यू वॉन्ट टू लर्न, प्लीज प्रूफ इट। एंड दिस इज अ गुड वे कि प्लीज शेयर योर क्लास टू द अनदर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, टू अनदर गुड स्टूडेंट। आप अच्छे बच्चों को शेयर करो क्लास को, ताकि वो लोग आए क्लास में, क्योंकि क्लास की जान जो होती है वो आपसे होती है, बच्चों से होती है। क्लास की रौनक आप लोग हो तो क्लास को प्लीज शेयर करना है। और आप इस बात की दलील मुझे दीजिए, और जो टेलीग्राम का मेरा ग्रुप है उसको ज्वाइन करिए, टेलीग्राम के बच्चों को इंस्पायर करो आप कि वो क्लास में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, और क्लास में जो एक क्लास की रौनक है उसको बढ़ाइए, तभी तो इसको में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वरना क्या करना है, मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री आपके कहने पे शुरू किया है ना, और ये चीज तभी कंटिन्यू हो पाएगी जब आप अपनी भागीदारी दर्ज कराइए। वसूलों पे जब आ चाहे तो टकराना जरूरी है, वसूलों पे जब आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो उसे जिंदा नजर आना जरूरी है, जो जिंदा हो उसे जिंदा नजर आना जरूरी है। इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो बच्चों मैं देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी कि आप कितना ज़्यादा अपनी क्लास के लिए काम करते हो, कितना ज़्यादा आप अपनी क्लास के लिए वर्क करते हो। अगर आपने अपनी क्लास को इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया तो यकीन मानिए, जाहिर सी बात है कि एक टीचर तो तैयार ही रहता है, मैं तो रेडी हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते थोड़ा सा आगे बढ़। अब आपको समझ में आ गया ना कि जो बौद्धिक वर्ग था उसको, उस जो बौद्धिक वर्ग था उसकी नाराजगी का क्या कारण था, और उसको क्या लग रहा था, उसको साफ दिखाई दे रहा था कि विस्फोट होगा और वो खतरनाक होगा, क्योंकि समाज पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था और वो इस चीज को समझ रहा था। समाज के जो हालात गिरते जा रहे थे वो इस चीज को समझ रहा था। ठीक है, तो इन चीजों से तो वो बहुत ज्यादा नाराज था। ठीक है ना बच्चों, इसको नोट करेंगे, और नोट करने के बाद आप मुझे बताएंगे। एक चीज
चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो फ्रांस का बौद्धिक वर्ग था ना, वो इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था से बहुत ज्यादा प्रभावित था, क्योंकि कहीं ना कहीं से देखा जाए ना, इंग्लैंड की कामयाबी का जो रहस्य था वो सबसे ज्यादा ये था कि इंग्लैंड की जो संसद थी वो जनता के प्रति जिम्मेदार थी। इंग्लैंड के संसद में जन भागीदारी थी, वहां निरंकुशता नहीं थी, वहां कहीं ना कहीं से आम जनता का इन्वॉल्वमेंट था। इंग्लैंड में बेतहाशा फिजूल खर्ची नहीं थी, इंग्लैंड में व्यापार था, वाणिज्य था, वहां पे नए नए उपनिवेशों को इंग्लैंड से जोड़ा जा रहा था ताकि उनकी इनकम बढ़ाई जा सके। तो फ्रांस के जो विचारक थे ना, वो इंग्लैंड की तरह का सिस्टम चाहते थे, वो इंग्लैंड की तत्कालीन व्यवस्था से बहुत प्रभावित थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो इंग्लैंड की जो जो बुरी चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट करना चाहते, क्योंकि कोई भी बौद्धिक जगत जो है वो गंदी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करता। तो एक रीज़न ये भी था बच्चों कि यहाँ का जो बौद्धिक वर्ग था ना, वो इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और उसी तरह का कुछ सिस्टम चाहता था। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन और नोट कर लेंगे। और लिख लेंगे कि फ्रांस का बौद्धिक वर्ग इंग्लैंड की तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था से बहुत प्रभावित था और कहीं ना कहीं से वो उसी तरह की व्यवस्था फ्रांस में चाहता था। तो इस चीज को, इस लाइन को हम लोग लिख लेंगे बच्चों। हम लोग लिखेंगे कि फ्रांस का बौद्धिक वर्ग है ना, इंग्लैंड की तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था से बहुत प्रभावित था। और वो कुछ ऐसा ही फ्रांस में चाहता था। और वो कुछ ऐसा ही फ्रांस में चाहता था। ये चीजें आप लिख लेंगे तो ये पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी कि फ्रांस का बौद्धिक वर्ग क्यों फ्रांस की सरकार से नाराज था, क्यों दुखी था और क्यों वो बहुत ज्यादा अपनी बातों को फैला रहा था, अपने विचारों को फैला रहा था। ठीक है ना। और एक विद्वान जो होता है वो अपने विचारों के द्वारा, अपने लेखों के द्वारा है ना, वो सारी बातों को बता देता है। हंसी मजाक में भी कभी कभी बहुत गंभीर बातें इंसान कह देता है, बात की बात हो जाती है और सामने वाला समझ भी जाता है। ठीक है, अब चलिए अब यहां पर एक प्रश्न है, एक प्रश्न उठता है। चलिए यहां पर मतलब बहुत से विचारक हैं जिन्होंने इस बात को कहा कि अगर फ्रांस का बौद्धिक वर्ग नहीं होता तो फ्रांस में कभी क्रांति नहीं होती। यकीन मानिए, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि अगर रूसो ना होता तो क्रांति ना होती। जॉर्ज एलन नाम के लेखक अपनी पुस्तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिखते हैं कि फ्रांस की क्रांति के पीछे एक महान बौद्धिक विचार था
और इस बात पर कोई दो राय नहीं है कि फ्रांस की क्रांति को जो दिशा है वो इन विचारकों के द्वारा दिया गया है ना। तो इस पर थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग के, जैसे ये हम बौद्धिक वर्ग के महत्व की बात कर रहे हैं कि कितना ज्यादा महत्व था इन लोगों का। तो इस पर इनके विचारों से आप देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट जो इतना बड़ा राजनीतिज्ञ था, ये किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। वो कह रहा है कि अगर रूसो ना होता तो क्रांति ना होती। और एक बहुत बड़े विद्वान हैं जिनका नाम है एलन, जॉर्ज एलन, वो लिखते हैं, इनकी किताब है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसमें लिखते हैं कि फ्रांस की क्रांति के पीछे एक महान बौद्धिक विचार था। तो एक सच्चाई है बच्चों, कि मैंने वही शुरू में ही अपनी बात कही थी कि जो जो विचारधारा जो होती है ना, वो एक टेस्ट की तरह होती है, कि जैसे कोई भोजन है जिसमें कोई टेस्ट ही ना हो, कोई स्वाद ही ना हो, तो इंसान क्या करेगा भाई। धीरे धीरे कह सकते ना बच्चों, जो स्वाद होता है ना, वो भोजन से आपके जुबान को, आपके मन को अटैच कर देता है। असल चीज स्वाद जो होता है वो अटैचमेंट करता है। तो ये जो बौद्धिक वर्ग है ना, जो विचारधारा है ना, वो एक स्वाद की तरह होती है, ठीक है ना। तो यहां पर यही चीज है बेटा बच्चों, लिखना है कि फ्रांस के जो विचारक थे ना, उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा, हास्य के द्वारा, व्यंग्य के द्वारा, चाहे जैसे भी हो, विभिन्न प्रकार के जो क्लब होते थे वहां पर जाकर अपनी बातें उन्होंने रखी। और जो वहां का मिडिल क्लास था, जिसमें चिंगारी थी, बाकी देखिए ऊपर वाले तो मजा ले रहे थे, कहने का मतलब कि जो उच्च क्लास था वो तो मजा ले रहा था, वो तो पूरी तरह अय्याशी में लिप्त था, वो तो बिल्कुल समझ लीजिए कि उसका, उसके पास कोई काम ही नहीं था, ना कोई प्रेशर था, ना कोई जिम्मेदारी थी, ना कोई जवाबदेही थी, है ना। तो पूरा ऐश की जिंदगी जी रहा था, उससे कोई मतलब था नहीं। जो गरीब लोग थे, जो कमजोर लोग थे, वो खाने कमाने में लगे थे, दो रोटी के लिए जुगाड़ में लगे थे। जो मिडिल क्लास था वही परेशान था, क्योंकि वो इस चीज को अपना अपमान मान रहा था, उसको, उसके अंदर चिंगारी थी। और इन विद्वानों ने अपनी विचारधाराओं से इन्हीं, क्योंकि तो देखिए साहब, आप अगर कोई आग का ढेर है तो फूंक कहाँ मारेगा आदमी, कहाँ मारेगा? जहां पर थोड़ा बहुत शोला हो, जहां पे थोड़ा बहुत चिंगारी हो, धुआं, वहां फूंक मारने पे। तो इन विद्वानों ने सबसे ज्यादा जो काम किया था वो इन्हीं मिडिल क्लास को जगाने के लिए, उनको समझाने की कोशिश की इन लोगों ने कि फ्रांस के जो हालात हैं, जिस दिशा में फ्रांस जा रहा था, अगर उसको रोका नहीं गया तो पूरे देश के नष्ट होने का खतरा था। तो इन विद्वानों ने बहुत, तो वही चीज, वही लाइन में आपको लिखा रहा हूं कि इनका क्या इंपॉर्टेंस था, कैसे इन्होंने अपनी विचारों को आगे बढ़ाया, कैसे इन्होंने लोगों को जागरूक किया। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, थोड़ा सा इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने ना। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में लिख देंगे यहाँ पे कि फ्रांस के जो विचारक थे, उन्होंने कैसे अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाया, किनको, किन पर उनके विचारों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ना, इसको बताएंगे ना, कौन से लोग सबसे ज्यादा। तो आपको पता ही है, मिडिल क्लास ही था, एक किसान इतना गरीब था, इतना मुश्किल हालात में था कि वो विचारों से तो उसका कोई लेना देना था ही नहीं, वो बेचारा रोजी रोटी में ही इतना ज्यादा परेशान था। तो लिखेंगे, फ्रांस के विचारकों ने विभिन्न माध्यमों से है ना, अपने विचारों को आम जनमानस तक पहुंचाया। जैसे
जैसे बच्चों साहित्य बहुत बड़ा मीडियम था ये, उस जमाने में जो साहित्य थे उनमें उन लोगों ने अपनी बात रखी है ना, साहित्यों के माध्यम से, ठीक है, कला के माध्यम से, ठीक है। और क्या था, लेखनी, अखबार है, पेपर है, और क्या है, हास्य और व्यंग। समझ में आ गया, यानी मतलब एनी हाउ वो जैसे अपनी बातों को पहुंचा सकता था उसने अपनी बातों को रखा, और पूरे जज्बात के साथ रखा, पूरे हौसले के साथ उसने अपनी बात रखा। और यहां पर एक चीज है कि उस समय फ्रांस का मध्यम वर्ग चेतना युक्त था, अतः इनके विचारों का सबसे अधिक प्रभाव सर्वाधिक प्रभाव अतः इनके विचारों का सर्वाधिक प्रभाव इसी वर्ग पर पड़ा, ठीक है ना, करेक्ट है। क्योंकि जहां पे चिंगारी होती है, जहां पे धुआं होता है, कोशिश वहीं पे की जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान यही लोग थे, हलचल इन्हीं में थी, सो इन विचारकों ने इन्हीं पर अपनी जो है इन्हीं के द्वारा अपनी बातों को कहलवाने की कोशिश की, या अपने विचार इन तक पहुंचाए। और फिर आपको पता ही है कि मिडिल क्लास का बहुत बड़ा रोल था क्रांति को आगे बढ़ाने में। ठीक है बच्चों, नोट करेंगे इसको, आप लोग लिखेंगे और लिखने के बाद मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपने कंप्लीट किया है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब चीजें ये है कि ये चीज जो है बच्चों यहां पर, ये जो लाइन हमने नोट कराई, इसको मैंने इसमें ऐड नहीं कराया कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि रूसो ना होता तो क्रांति ना होती। जॉर्ज एलन नाम के लेखक अपनी पुस्तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिखते हैं, फ्रांस की क्रांति के पीछे एक महान बौद्धिक विचार था। तो ये कोटेशन आप लोग नोट कर लेना, ये बहुत बेहतरीन कोटेशन है। आप अपनी बातों को अगर रखना चाहते हैं मेंस में तो ये कोटेशन बहुत काम आएगा। अब यहां पर एक प्रश्न और भी है बच्चों, यहां पर जैसे हमने कहा कि इन बौद्धिक विचारधारा का बड़ा रोल था, है ना, बौद्धिक वर्ग का बहुत रोल था, लेकिन कुछ विद्वान हैं जैसे कि इतिहासकार है जिन्हें वो लिखते हैं कि भाई, मतलब उन्होंने असहमति व्यक्त की, वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं लगता कि फ्रांस की क्रांति जो है वो बौद्धिक वर्ग के जागरण के कारण हुई। मतलब हिस्टोरियन हैजन वॉज सेइंग इट वॉज नॉट वैलिड रीजन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन दैट टाइम कि एवरीथिंग वॉज द एक्सीलेंस अवेयरनेस, सब कुछ बौद्धिक जागरण था। हैजन क्या कहते हैं कि भाई मेरे हिसाब से तो नहीं लगता, ठीक है ना। हैजन कहते हैं कि भाई फ्रांस में बहुत सारी समस्याएं थी, वहां का जो समाज था, वहां के जो लोग थे, वो राजा से नाराज थे क्योंकि वही सेंटर में था, वो सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता था पर वो नहीं कर पा रहा था, तो लोग राजा से नाराज थे। किसान जो था वो कुलीन वर्ग से नाराज था क्योंकि किसानों की फसल कुलीन वर्ग के जो है जानवर खा जाते थे, जो शिकार के लिए जानवर पाले जाते थे
उससे नाराज था। किसान सबसे ज्यादा टैक्स कुलीन वर्ग को दे रहा था, सो किसान जो है वो निर्दयी कुलीन वर्ग को समाप्त करना चाहता था। जो मिडिल क्लास था वो अपनी प्रतिष्ठा और पहुंच को ऊंचा उठाना चाहता था, वो चाहता था कि वो पढ़ा लिखा है, वो समझदार है, वो मेहनती है, वो परिश्रमी है, उसके अकॉर्डिंग उसको समाज में सम्मान मिले, इज्जत मिले। तो वो बुर्जुआ वर्ग से खफा था, कुलीन वर्ग से खफा था कि भाई यही लोग हैं जो हमारे रास्ते में रोड़ा है। समझ में आ रहा है? यानी जो व्यापारी था वो टैक्स लेने वालों से तरह तरह से अनर्गल तरीके से टैक्स लेने वालों से नाराज था। तो मतलब ये जो विद्वान है वो ये कहते हैं कि फ्रांस की जो समस्या थी ना, वो हर आदमी की अपनी अलग समस्या थी। तो हम सिर्फ बौद्धिक जागरण को फ्रांस के क्रांति का कारण नहीं मान सकते, उन्होंने वैलिड रीजन रखे हैं, हम लोग आगे भी बात करेंगे। समझ में आ रहा बच्चों? तो यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में, दो लाइन लिखेंगे ना, ये चीज़ कंप्लीट कर ली होगी आप लोगों ने, तो मुझे इन्फॉर्मेशन प्लीज दे दीजिए। अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ विद्वान मात्र बौद्धिक जागरण को फ्रांस की क्रांति का कारण नहीं मानते, ठीक। उनमें शामिल हैं इतिहासकार हैजन, जो कहते हैं कि फ्रांस की क्रांति अलग अलग कारणों से हुई थी, अलग अलग समस्याओं के कारण हुई थी, जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, ठीक है। यही लाइन हम लोग नोट कर देंगे यहां पे। क्या लिखेंगे बच्चों? कि कुछ विद्वान, क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा बच्चों ध्यान रखिए, जब आप अगर आंसर लिख रहे हो, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन सीधा है, उसमें आलोचनात्मक या समालोचनात्मक जैसी चीज नहीं है ना, तो आपसे मैं कहूंगा कि हमेशा सिक्के के दो पहलू होते, कभी भी आंसर राइटिंग करते समय किसी एक पक्ष को मत लीजिए। अगर वो कह नहीं रहा है तो, अगर कह रहा है कि आलोचनात्मक व्याख्या करिए तो केवल आलोचना करिए, लेकिन अगर नहीं बोल रहा है तो कोई एक पक्ष मत लीजिए, दोनों पक्षों को लिखिए, क्योंकि सिक्के के हमेशा दो पहलू होते। अगर आप सिर्फ एक पहलू दिखाएंगे तो नंबर आपको वो आधा ही देगा। तो यहां पर यह है कि सिक्के का जो दूसरा पहलू है, हम शुरू से ही ये बात लिख रहे हैं कि एक्सीलेंस अवेयरनेस वाज़ द वैलिड रीजन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना, वी आर सेइंग टू मच, हम बहुत देर से बात कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। लेकिन सिक्के का दूसरा जो पहलू है उसको भी हमें देखना चाहिए, उसको भी हमें एग्जामिनर को बताना है। तो हम लिखेंगे कि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि केवल बौद्धिक जागरण फ्रांसीसी क्रांति का कारण नहीं था। ठीक है ना, स्पष्ट हो रहा होगा?
ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ गया बच्चों? ये लाइन मैंने लिखी है, कृषक कृषक कुलीन वर्ग से परेशान था, कुलीन वर्ग और सामंतों से परेशान था, मिडिल क्लास मध्यम वर्ग समाज में अपनी स्थिति के अनुरूप प्रतिष्ठा चाहता था, बौद्धिक वर्ग राजा से सम्मान चाहता था। मतलब इन विद्वानों ने कहा कि देर वेर द मल्टी रीजंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इट वॉज नॉट ओनली वन रीजन दैट टाइम। सो इसको नोट करेंगे, लिखेंगे आप सभी, ठीक है ना, कि इन्होंने कहा कि ये सिक्के का दूसरा पहलू है बच्चों, ठीक है ना, जो आपको देना ही होगा, एनी हाउ वो आपको देना होगा। अब चूंकि मैंने ना डिटेल बहुत लंबा लिखाया है, चूंकि डिटेल है ये, अब इसको क्या है कि क्वेश्चन के अनुरूप कंप्रेस करना है, जो प्रश्न आया उसके अनुरूप आप इसको छोटा और बड़ा कर सकते हो। लिखने की जो कला है वो मैंने आपको बहुत बार बताया कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना, तो इसको आप अपने अनुरूप जो है वो छोटा और बड़ा कर सकते हो। ठीक है, इन लोगों ने कुछ और ही कारण बताए हैं फ्रांस की क्रांति के पीछे। ये कह रहे हैं कि आग तो सुलग रही थी, आग सुलग रही थी, बस चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी कुछ कारणों ने दे दिया था। तो ये जो विद्वान है जो बौद्धिक जागरण को फ्रांस की क्रांति का रीजन नहीं मानते, ठीक है ना, वो दूसरी चीजों के बारे में भी बात कर रहे हैं कि ये कुछ कुछ और भी रीजन थे फ्रांस की क्रांति के पीछे, है ना। इसको नोट करेंगे हम लोग, और बच्चों वी आर जस्ट गोइंग फॉर द एंडिंग ऑफ द क्लास नाउ। हम लोग बिल्कुल अंत पर आ चुके हैं, लास्ट में हम लोग इसका कंक्लूजन लिख कर क्या करेंगे, क्लास को एंड करेंगे। लेकिन अभी टाइम है, अभी आप बने रहिए क्लास में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर द शाइनिंग स्टार ऑफ माय क्लास। आप लोग मेरे क्लास में एक चमकते हुए सितारों की तरह हैं, और आपकी संख्या, आपकी मेहनत, आपका लगन हमारे लिए बहुत मायने रखती है। बस ये है कि कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से हम लोग लाइव नहीं हो पा रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी और आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। बहुत जल्द 29, 30 और 31 दिसंबर 6 क्लासेस होंगी, ठीक है, ऐप पर लाइव, और आपकी और हमारी मुलाकात भी होगी। ये चीजें नोट करेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और चलिए हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। मतलब इन विद्वानों ने जो ये नहीं मानते थे कि बौद्धिक कारण से फ्रांस की क्रांति हुई, इन्होंने कहा कि और भी बहुत सारे कारण थे फ्रांस की क्रांति के पीछे। हम सिर्फ ये कहें कि बौद्धिक जागरण के कारण क्रांति हो गई तो इट्स नॉट ट्रू। इन लोगों ने रीजन भी दिया कि जो है फ्रांस में जो क्रांति की आग है वो बहुत दिन से सुलग रही थी, कुछ ऐसे कारण सामने आए जिन्होंने इसको हवा दे दी और वो आग जलने लगी। तो हम लोगों को इन्हीं कारणों पर बात करना है कि आखिर ये और कौन सा कारण दे रहे हैं।
हम लोग लिखेंगे इन विद्वानों का मानना मानना है कि फ्रांस में क्रांति के लिए माहौल तैयार हो चुका था। क्रांति के लिए माहौल बन चुका था, ठीक है ना? कुछ कारणों ने अग्नि को हवा दे दी, अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। अग्नि को भड़का दिया, ठीक है ना? जैसे जैसे ये कहते हैं कि अमेरिका की क्रांति है बच्चों, इन विद्वानों का कहना है कि फ्रांस के सहयोग से अमेरिका की क्रांति हुई। फ्रांस के लोगों को लगा कि अगर हमारे सहयोग से नए नए अमेरिकी इंग्लैंड जैसे शक्तिशाली देश को, भाई अमेरिका छोड़ना पड़ा था ना इंग्लैंड को, तो अगर फ्रांस के सहयोग से अमेरिका की क्रांति हो सकती है तो फ्रांस के लोग फ्रांस की क्रांति क्यों नहीं कर सकते। तो ये एक माहौल बन चुका था, है ना? अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने एक क्लाइमेट दे दिया था फ्रांस को कि सब कुछ पॉसिबल है, अगर लोग खड़े हो जाएं, तैयार हो जाएं, तो सिस्टम को बदला जा सकता है। तो ये विद्वान कह रहे हैं कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन फ्रीडम वॉज द वेरी ग्रेट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ द फ्रेंच दैट टाइम। मतलब उनके सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल बना था कि अगर अमेरिका कर सकता है तो फ्रांस क्यों नहीं। समझ में आ रहा है बच्चों? ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये कुछ ज्वलंत कारण थे। दूसरी चीज ये थी बच्चों कि फ्रांस के लोगों ने ना राजा की निरंकुशता पर लगाम लगाने के लिए, सिस्टम को सही करने के लिए फ्रांस की जो संसद थी जिसको स्टेट्स जनरल कहा जाता था, उसको दोबारा बुलाने की मांग शुरू कर दी कि भाई फ्रांस की संसद को बुलाया जाए, स्टेट्स जनरल, जिसकी अंतिम बैठक 1614 में हुई थी, जो फ्रांस के निरंकुश शासकों के द्वारा एक तरह से समाप्त कर दी गई थी, उसको दोबारा बुलाने की मांग उठी कि नहीं भाई संसद बुलाई जाए, प्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि आए। तो लोगों में एक आस जगी कि यार जो फ्रांस में समस्या है, अगर स्टेट्स जनरल बन जाए तो ये समस्या सॉल्व हो सकती है। लेकिन राजा और कुछ लोगों ने इस चीज को अनदेखा करने की कोशिश की, इसने और आग को भड़का दिया। तो फ्रांस में स्टेट्स जनरल की मांग क्या है बच्चों? स्टेट्स जनरल क्या था? फ्रांस की संसद को कहते थे, है ना? इसमें फ्रांस की समाज के हिसाब से जो है लोग बैठते थे। हाँ ना, ये राजा के द्वारा एक तरह से बंद कर दी गई थी क्योंकि ये राजा की निरंकुशता पर कंट्रोल करती थी। फिर लोगों ने इसकी मांग की और जब राजा ने अनदेखा किया, जब आगे पीछे किया, तो लोग भड़क गए कि यार तुमको क्या प्रॉब्लम है, जो संसद है इसको शुरू करो ताकि जो है राजा को जवाबदेह बनाया जा सके। क्लियर है? तो इन विद्वानों का कहना था कि स्टेट्स, फ्रांस के स्टेट्स जनरल की मांग जो है ना, ये बड़ा मायने रखती थी। और कहा जाता है कि तीसरा जो कारण था वो था 1788 ईस्वी में, है ना, जाड़े जाड़े के महीने में
फ्रांस की भयंकर अकाल, जिसने वहां के लोगों को वहां के शासन के खिलाफ भड़का दिया। अब आप समझ गए कि ये जो विद्वान हैं ये लॉजिक दे रहे हैं कि भाई एक्सीलेंस अवेयरनेस वॉज नॉट अ ओनली वन रीजन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इट वॉज नॉट अ वैलिड रीजन, इट वॉज नॉट अ इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिकॉज दिज आर द सम रीजन्स ऑल्सो, ये कुछ और कारण हैं जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को भड़का दिया, जिसमें से नंबर वन उन्होंने कहा कि अमेरिका की क्रांति से इतना ज़्यादा फ्रांस के लोग प्रभावित थे कि उनको लगा कि उनकी मदद से अमेरिका की क्रांति हुई तो फ्रांस की क्रांति क्यों नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ है कि फ्रांस के संसद स्टेट जनरल की जो मांग थी वो शुरू हो गई थी कि भाई जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाए, राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाया जाए। जब राजा ने इसकी अनदेखी की लोग भड़क गए और फिर 1788 ईस्वी में जाड़े के महीने में फ्रांस में जबरदस्त अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से लोग एकदम से शासन के खिलाफ सड़कों पर आ गए। तो ये चीज नोट करेंगे। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है बच्चों कि क्या अब हमको मान लेना चाहिए कि फ्रांस के बौद्धिक वर्ग का कोई कारण ही नहीं था? क्या हमको इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि बौद्धिक वर्ग ने कुछ भी नहीं किया? भाई जाहिर सी बात है, ये जो रीजन इन्होंने दिया उस हिसाब से तो यही लगता है। क्या आपको लगता है कि हमको मान लेना चाहिए कि फ्रांस में बौद्धिक जागरण का कोई महत्व नहीं था? भाई पूरा पढ़ने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? और जो ख्याल आ रहा है ना, जो ख्याल आ रहा है वही आपका कंक्लूजन बनेगा। लास्ट में जो आप लिखते हैं उसको कंक्लूजन कहा जाता है। तो जो आपके मन में ख्याल आ रहा है ना कि अब ये ख्याल क्या आपके मन में आ रहा है, वो तो आप ही जानते हो ना कि भाई कंक्लूजन में हम क्या लिखें। क्या हम यही लिख दें कि यस दिस हिस्टोरियंस आर राइट, देयर वेयर द नो कंट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सीलेंस अवेयरनेस इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हम लिख दें इसको, बात खत्म कर दें? नहीं, बौद्धिक जागरण का महत्व था। यकीन मानिए साहब, जैसे कोई ज्वालामुखी है और वो धधक रही है, लेकिन ज्वालामुखी के विस्फोट के लिए एक सेट टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, वही जो टेम्परेचर था बौद्धिक जागरण था। जैसे आपने देखा होगा कभी टेबल पे पानी की कुछ बूंदें गिर जाती हैं, उन बूंदों को हम खेलते हैं, क्या करते हैं, हम उंगली से ऐसे खींच देते हैं। पानी अगर टेबल पे गिर गया तो क्या करते हैं, हम उंगली से उस पानी को एक दिशा दे देते हैं और वो पानी एक धार की सहायता से पूरा टेबल से नीचे गिर जाता है। यानी हमारा टेबल पूरा पानी से भींगे बगैर एक पतली सी धार से पूरी पानी नीचे चली जाती है। ठीक वैसे ही इसको क्या कहते हैं, पानी को दिशा देना। उसी तरह से फ्रांस की जो क्रांति थी उसको इन विद्वानों ने दिशा दे दिया था, क्योंकि दिशा, अब पानी टेबल पे गिरा है, पानी वहीं रुका रहता है क्योंकि उसके पास डायरेक्शन नहीं है। तो हम कहेंगे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज प्रेजेंट देयर बट दे हैड नो एनी डायरेक्शन। संभावनाएं थी क्रांति की बट डायरेक्शन नहीं था, दिशा नहीं थी। लोग ये सोच रहे थे क्या होगा, कहाँ जाएंगे, बट ठीक वैसी जैसे आप उंगली से दिशा देते हो पानी को टेबल पे, वैसे ही इन
क्रांति इन इन बौद्धिक विचारकों ने क्रांति को दिशा दे दी। तो ये बहुत बड़ी बात है ना यार, कि कोई चीज अगर धधकी रही है बट उसमें आगे कोई कार्रवाई ना हो तो उसका क्या मतलब है, बोलो बताइए। अरे आप ही हो, बहुत टैलेंटेड हो, बहुत बढ़िया हो, बहुत मेधावी हो, लेकिन अगर जिंदगी में कुछ नहीं बन पाए तो आपके टैलेंट और मेधावी होने का क्या मतलब है? और अगर कोई बंदा आपसे टकरा जाता है और आपकी जो आपके सीने में जो ज्वालामुखी धधक रही है, जो चिंगारी धधक रही है, जो उमंगे हैं, उसको एक दिशा दे दे और आपको बता दे कि भाई आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करो, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी, और आप गए, आपने तैयारी किया और आप आईएएस अधिकारी बन गए, तो ये बताओ कि इसका कितना बड़ा रोल है। बाद में सेलेक्ट होने के बाद आप बोलोगे कि अरे वो तो ऐसे ही समझा दिए, वो तो मैं मेरे अंदर जो है टैलेंट नहीं। यू कांट अवॉइड दिस कंट्रीब्यूशन, इट वॉज अ वेरी वेरी ब्रिलियंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सीलेंस अवेयरनेस। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो हम लास्ट में क्या करेंगे बेटा, बच्चों लास्ट में क्या करेंगे? वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कशन अबाउट द कंक्लूजन एंड अवर क्लास विल बी एंड आफ्टर दिस। तो लास्ट में हम लोग इसी कंक्लूजन को लिखकर अपनी क्लास को अंत देंगे। और आपको पता ही है कि कंक्लूजन जो होता है वो बहुत मायने रखता है, पूरे पूरे आंसर की जो ग्रेविटी होती है वो आपके कंक्लूजन से पता चल जाती है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं और कंक्लूजन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब बच्चों कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमें को कॉपी कर दो लिख दो, नहीं, ये सिर्फ आपके लिए एक फ्रेमवर्क है। मैं आपको एक फ्रेम बना के दे रहा हूँ कि बच्चों इसी के दायरे में रहना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रेम को ही कॉपी कर दीजिए। नो, आपको अच्छा करना है, बढ़िया करना है। और मैं कह रहा हूँ बच्चों टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जाओ, क्लिक करो, आओ टेलीग्राम पर आकर मुझसे बात करो, आपके मन में अगर कुछ है बोलो। क्लास को शेयर जरूर करिए, ये क्लास कब तक चलेगी ये डिसाइड आप ही को करना है। आप वर्ल्ड हिस्ट्री चाहते हो कि नहीं चाहते, यू वॉन्ट वर्ल्ड हिस्ट्री और नॉट, इट्स अंडर इन योर हैंड। सो प्लीज शेयर दिस क्लास टू द अदर स्टूडेंट्स। तो हम लोग लिखेंगे उपरोक्त, क्या लिखेंगे बच्चों? उपरोक्त उदाहरण के आधार पे हम यह नहीं मान सकते हम यह नहीं मान सकते कि फ्रांस की क्रांति में वहां के बौद्धिक जागरण का महत्व नहीं था। वहां के बौद्धिक जागरण का महत्व नहीं था। ठीक है बच्चों, बल्कि
केवल एक बात से ये साफ हो जाता है कि बौद्धिक जागरण का कितना महत्व था, केवल एक बात से। ये स्पष्ट हो जाता है कि इसका कितना महत्व था फ्रांस के बौद्धिक वर्ग ने क्रांति को दिशा दी। ठीक है बच्चों, बात को यहीं पर हम लोग खत्म करने जा रहे हैं, है ना? ये तो मैंने आपको एक फ्रेमवर्क बता दिया कि मैंने एक लाइन बस कही कि इन्होंने केवल दिशा दे दिया, वही बहुत था यार, बाकी बातें तो छोड़ ही दो। तो ये चीज समझ में आ गया, और क्या करना है आपको पता है ना, क्लास को शेयर करना है बेहतरीन, और भी बच्चों को क्लास से जोड़ना है। इस क्लास के लिए आप लोग मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप लोग अपने अपने एंगल से वर्क करके इस क्लास को बढ़िया बनाइए, क्योंकि आप अगर मेहनत करोगे तो फिर हमारे लिए ये बहुत उत्साह बढ़ाने वाला होगा। ठीक है, और शेयर ज़रूर करिए बच्चों, और क्लास रेगुलर चलती रहेगी। अगर आप लोग चाहेंगे तो ये कक्षा कंप्लीट हो जाएगी, मैं मैं वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ा दूंगा, क्लास चलती रहेगी, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है। और टेलीग्राम से अगर आप हमारे जुड़े हैं तो और भी बच्चों को मैसेज ज़रूर करना है, उनको लिखना है कि भाई आप लोगों की जो उपस्थिति है क्लास में वो अनिवार्य है, आप लोगों के कहने पे ही इस चीज़ को शुरू किया गया है। ठीक है बच्चों, और बहुत जल्द 29, 30 और 31 दिसंबर को हम लोगों की लाइव क्लास होने जा रही है अनअकैडमी के ऐप पर, स्पेशल क्लास। ठीक है ना, तो आप उसके लिए रेडी रहिएगा, ऐप को डाउनलोड करिए, उसके बाद जो है डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर मुझे फॉलो ज़रूर कर दीजिए। ये देख रहे हैं स्पेशल क्लास, अब ये है कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है, MOHD, ऐप को डाउनलोड करोगे और डाउनलोड करने के बाद लिखोगे MOHDNADIM, ये मेरा प्रोफाइल नेम है अनअकैडमी के ऐप पर, समझ लीजिए बच्चों। अब इसके आगे क्या लिखोगे, स्पेशल क्लासेस, क्या लिखोगे, स्पेशल क्लासेस, ये लिख दो। और जितनी भी क्लासेस मैंने ली हैं सबको आप पढ़ डालिए, सभी बच्चों से मैं कह रहा हूं स्पेशल क्लास। अच्छा, इसमें क्या करना है, फॉलो भी मुझे करना है ना, फॉलो करना तो एकदम मत भूलिए, प्लीज फॉलो मी, क्योंकि मेरी क्लास जब स्पेशल क्लास में लूंगा ना तो फॉलो किए रहोगे, जब स्पेशल क्लास लूंगा मैं तो फॉलो किए रहोगे, तो अनअकैडमी टीम की तरफ से मैसेज भेजा जाएगा आपको। ठीक है, यहां पर क्या करना है कि जितनी क्लासेस, देखिए देखिए यहां, देखिए यहां पे विश्व, देखिए यहाँ पे विश्व का इतिहास, अमेरिका की क्रांति, तात्कालिक कारण, ये सारे क्लासेस मैंने यहाँ पे पहले से ले रखे हैं, इसको आप करिए, है ना, और कंप्लीट करिए। जैसे 1857 की क्रांति मुख्य परीक्षा, ये सारे क्लासेस करो, ये सारे क्लासेस करिए। मॉडर्न हिस्ट्री मेंस के लिए मैंने स्पेशल क्लासेस ली हुई हैं, वो सारे क्लासेस आप लोग एक एक करके करिए, इससे पहले कि ये क्लासेस हटा दिए जाएं, है ना, इससे पहले कि ये क्लासेस हटा दिए जाएं, आप ये सारे क्लासेस कर लीजिए। ये मेंस के लिए मैंने इसमें क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कराई हुई है, तो प्लीज स्पेशल क्लासेस जो है डेली देखिए और पूरा कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। और साथ में ये कि अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू ज्वाइन द अनअकैडमी इफ,
क्योंकि जो कॉम्बो ऑफर आया हुआ है या जो प्राइस हाइक हो रही है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, अगर मान लो आपका इरादा बन रहा है तो अगले महीने से पहले ही बच्चों इसको कर लेना है, क्योंकि अगर आप इरादा बना रहे हो और बाद में पता चले कि फीस बढ़ गई तो फिर दिक्कत होनी है। तो ये जो कम्बो ऑफर आया हुआ है आपके लिए, ये जो मैंने बताया कि इसमें आपको सीधे सीधे जो है ना, एक साल में 9% की छूट, 2 साल में 11% की छूट और 3 साल में 14% की छूट मिल रही है। इसको आप ग्रैब करो और MNUS जो रेफरल कोड है 10% डिस्काउंट के लिए यूज करो। मतलब एक अच्छा मौका है आपके लिए। और आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है बच्चों, ठीक है, जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है वो उसकी फीस बढ़ने वाली, यहाँ पे देख सकते हो आप, UPSC CSC GS आइकॉनिक प्लस ऑप्शनल, माने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी। ये मात्र आपको ये 97,000 की फी जो है मात्र 88,705 रुपीज़ में मिल रही है। इसको ग्रैब करिए, MNUS रेफरल कोड लगा लो, क्योंकि 10% आपकी फीस क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। तो एडमिशन अनअकैडमी पर एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड MNUS को यूज करिए, इससे 10% आपकी फीस कम हो जाएगी। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर हो गया? तो अब हम लोगों की मुलाकात सुबह 11 बजे से होगी। क्लास की टाइमिंग है सुबह 11 बजे और शाम को 6:30 बजे, ठीक है। और आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप कक्षा में आए, आपने क्लास को किया। इस क्लास को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि इस क्लास के बारे में मैंने बता ही दिया है कि यू आर माई रिप्रेजेंटेटिव, प्लीज शेयर द क्लास टू द अदर्स, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और लेट्स क्रैक इट।